Clipchamp Create. हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज हम दोबारा से एक वीडियो बनाने वाले हैं Clipchamp Create. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है और ये सिक्स क्लास Clipchamp का चैप्टर Create. है और ये एनसीईआरटी की बुक है. उसके आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसे हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है Clipchamp Create. यूजिंग 4, 7, 8, 9 ओनली वंस. इसमें ए पार्ट दिया गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर. तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, इन्हीं नंबर्स को यूज करके हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. इसमें सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या रहेगी कि सबसे पहले हमको देखना है कि जो हमें चार नंबर हमें दिए गए हैं उसमें से सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमको देखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा इसमें से कौन सा है? Clipchamp Create. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा है वो इसमें से फोर है, तो हमारा सबसे पहला होगा उसके अंदर फोर. फिर नेक्स्ट है कि हम इसके अंदर फोर के बाद कौन सा बचा हुआ जो नंबर है उनमें देखेंगे हम. फोर के बाद कौन सा नंबर है हमारे पास? फोर के बाद सबसे छोटा नंबर आता है सेवन. Clipchamp Create. इसमें लेंगे, फोर के बाद सेवन आ गया. फिर उसके बाद एट और नाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एट. एट ले लिया हमने. और उसके बाद बचा हुआ नंबर कौन सा रहा? नाइन. तो यानी हमारा जो नंबर बना स्मॉलेस्ट नंबर वो बना 4,789. इसकी ट्रिक यही है कि हमें सबसे पहले छोटा नंबर लेना है, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा है वो लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से, यानी छोटे से स्टार्ट करना है. Clipchamp Create. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका बी, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर में हमको उल्टा लेना है इसके अंदर, यानी कि उल्टा लेना है. अब फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट हम देखते हैं इसके अंदर, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर. राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यानी हमको सबसे बड़ा नंबर लेना है. ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा. तो इसमें से सबसे बड़ा हमारा नंबर है नाइन, तो हम सबसे पहले नाइन लिखेंगे. नाइन के बाद हम देखेंगे एट. एट हो गया. फिर उसके बाद हम सेवन और फिर फोर. तो हमारे पास इसके नंबर आया 9,874. तो हमारी ट्रिक क्या रही, अगर ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है नाइन, उससे फिर छोटा लेना है एट, और उससे फिर छोटा सेवन, और उससे फिर छोटा फोर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमको पहले लेना है. Clipchamp Create. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल इन रोमन न्यूमरल्स. Clipchamp Create. रोमन नंबर्स में हमको हिंदू अरेबिक नंबर्स को कन्वर्ट करना है. ये सारे हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं और इन्हें हमें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है. Clipchamp Create. तो फर्स्ट देखते हैं इसका. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 15. 15 जो रोमन नंबर्स हैं उसमें हम Clipchamp Create. 10 को हम डिनोट करते हैं x से, यानी x डिनोट करेगा 10 को, और 5 को हम डिनोट करेंगे v से. Clipchamp Create. तो हमारा नंबर क्या बनेगा? x और v. x v हमारा 15 नंबर बन जाएगा, क्योंकि 10 को हम x से डिनोट कर रहे हैं, 5 को हम v से डिनोट कर रहे हैं, तो x भी हमारा 15 नंबर बन जाएगा. b पार्ट है इसका 35. यहाँ पर हम 10 को डिनोट कर रहे हैं x से, तो हमारे पास यहाँ 3x आ जाएंगे, क्योंकि 10 प्लस 10 मिला के हमको 30 बनेगा. 10 प्लस 10 मिला के 30 बन जाएगा, तो वो इसलिए हमको 3x यहाँ पर Clipchamp Create. 3x हमको लेने पड़ेंगे, और 5 को तो हम v से डिनोट कर ही रहे हैं, तो v हमारा का, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो x x x v, ये हमारा नंबर बन गया 35. ठीक है. Clipchamp Create. फिर आती है बात हमारी 6, 7, 8. c जो पार्ट है वो है हमारा 6, 7, 8. अब इसके अंदर हम देखेंगे Clipchamp Create. हम 500 जो नंबर है हम अब देखेंगे 500 को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर. 500 जो आता है वो D से डिनोट करते हैं हम. D से हम 500 को डिनोट करते हैं, और L को हम डिनोट करते हैं 50. L यानी 50 और C यानी 100. C यानी Clipchamp Create. इन तीनों को ध्यान रखिए, और M यानी 1000 होता है. इन चारों को आप देख लीजिए,
और इन्हीं से हमको ये फॉर्म करना पड़ेगा। तो 600 को हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे हमारे पास 500 है और C है, यानी कि डी सी डी और सी मिलाकर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा डी सी। अब 70 के लिए हम क्या करेंगे, यानी L यानी 50, उसमें 20 और प्लस कर देंगे यानी 10 तो यानी कि L 10 और 10 ये हमारा बन गया 70 और D और C हमारा बन गया क्लिप चैम्प क्रिएट, बचा कितना 8। यानी V को हम डिनोट कर रहे हैं 5 से, उसमें 3-1 लगा देंगे तो 8 बन जाएगा ये नंबर, तो हमारा ये 678 नंबर बन गया। तो हमारा नंबर हो गया DCLXXV111, ठीक है। क्लिप चैम्प क्रिएट। अब आता है हमारा डी पार्ट 756। क्लिप चैम्प क्रिएट, जैसा कि हमने बताया था इसके अंदर आपको 756 के लिए ये चीज हम एक बार देख लेते हैं। डी जो है 500 है, सी 100 है, यानी 500 प्लस दो बार सी करेंगे तो हमारे पास 700 आ जाएगा, यानी डी सी सी क्लिप चैम्प क्रिएट डी सी सी। तो डी से 500 होता है और सी से 100 होता है और ये सी से भी 100 होता है, तो 500 600 700 क्लिप चैम्प क्रिएट। अब 50 के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एल जो है वो 50 होता है, ये जो L है ये 50 है, तो हम यहाँ L लगाएंगे ये 50 बनाएगा। और 6 के लिए V यानी 5 और 1 यानी 5 और 1 6, तो ये हमारा D C C L V 1 ये बन जाएगा नंबर। क्लिप चैम्प क्रिएट। फिर आता है हमारा 983। क्लिप चैम्प क्रिएट। 983 के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 1000 M जो है वो 1000 होता है, तो हम 1000 लेंगे M के लिए और उसमें से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम पहले लेंगे, तो C हम फर्स्ट लेंगे, तो यानी कि हमारा 1000 और इसमें से 100 माइनस किए हमने तो 900 बन जाएगा, तो ये 900 हो गया। 80 के लिए हम करेंगे L 50, उसमें 3 बार x लेंगे 60 70 80, तो ये हो गया 80 और ये 1113 हो गया। क्लिप चैम्प क्रिएट, तो ये 983 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे ये थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग, ये साइन दे रखे हैं ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन। क्लिप चैम्प क्रिएट। फर्स्ट है हमारे पास 56073 और 50673, तो सबसे पहले हम इनके डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, क्या ये बराबर हैं सारे डिजिट्स, सभी डिजिट्स बराबर हैं, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर दोनों का इक्वल है, दोनों का 5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि 6 बड़ा है 0 से, तो यानी ये नंबर बड़ा हुआ, तो हमारा साइन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर देन, क्योंकि 6 बड़ा है 0 से, इसलिए एरो जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितनी डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। अब नेक्स्ट कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट, दोनों में फर्स्ट है, सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे दोनों में 0 है, फिर थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं इसमें 3 है इसमें 0 है, तो 3 बड़ा है, तो यानी कि साइन जो है इसकी तरफ जाएगा बी पार्ट में ग्रेटर देन का साइन। इसमें भी हम काउंट कर लेंगे डिजिट्स, दोनों में 5 है, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे 3 है, सेकंड 4 है, थर्ड डिजिट इसमें 4 है इसमें 9 है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है 9 बड़ा है, क्लिप चैम्प क्रिएट, हमारा साइन इधर की तरफ जाएगा, यानी सी पार्ट जो है उसमें साइन ये आएगा। डी पार्ट में 9999 है और इसमें हमको बॉर्ड मास से सॉल्व करना पड़ेगा। बॉर्ड मास से सॉल्व करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले, या तो हम जो 10,000 है उसके अंदर 8 प्लस कर लेते हैं, तो 10,000 में 8 प्लस करके फिर 9 माइनस करें, या तो वो करेंगे या फिर हम 10,000 के अंदर 9 माइनस कर लेते हैं, तो 10,000 में 9 माइनस करके जो आएगा उसमें 8 प्लस करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसके अंदर 10,000 में 8 प्लस कर लेते हैं. क्लिप चैम्प क्रिएट. इसमें जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, 0, 0, 0 और 1. अब बचा 9 माइनस तो माइनस करेंगे तो इसमें से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आया 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 9. इसका क्लिप चैम्प क्रिएट. हमारे पास लेफ्ट साइड में भी 9,999 आया और राइट साइड में भी यही डिजिट आई, यानी फोर्थ वाले में इक्वल का साइन आ जाएगा. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एन सर्किल डिजिट. जो भी सर्किल कर रखा है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है कि वो किस प्लेस पे स्टैंड करती है. हमारे जो चार्ट होता है उसमें किस प्लेस पे स्टैंड करती है. इसमें ये क्लिप चैम्प क्रिएट यूनिट प्लेस होती है. फर्स्ट प्लेस जो हम राइट साइड से देखते हैं, सेकंड प्लेस टेंस की प्लेस होती है, थर्ड की होती है हंड्रेड की, फोर्थ की क्लिप चैम्प क्रिएट थाउजेंड की, फिर 10,000 की, इस तरह से चलती रहती है. तो थ्री जो नंबर है वो प्लेस वैल्यू में कहाँ स्टैंड कर रहा है. क्लिप चैम्प क्रिएट जो भी प्लेस वैल्यू में जहां पे भी वो कर रखा है उसके बाद हमको जीरो लगा देने हैं. तो हमारा इसका आंसर आएगा जो फोर्थ क्वेश्चन है champ create. उसका ए का आंसर आएगा 300. यानी प्लेस वैल्यू में ये 300 इसकी पोजीशन आएगी. क्लिप चैम्प क्रिएट. इसके बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे जीरो लगा देनी है तो हमारा आंसर आएगा 300. बी पार्ट देखते हैं. इसमें आंसर जीरो पे है तो जीरो के आगे जितने भी जीरो लगाएंगे हम, मान लीजिए जीरो है, जीरो के बाद एक नंबर और है, उस और जीरो लगाया तो दो जीरो इक्वल टू एक जीरो ही होता है, तो इसका आंसर सिंपल जीरो ही आएगा. क्लिप चैम्प क्रिएट. सी का आंसर आएगा 5. 5 के बाद हमको तीन डिजिट्स हैं, तीन डिजिट्स के जीरो लगा देंगे, यानी 1,00,000 आ जाएगा. और डी जो है उसमें 6 जो है यूनिट प्लेस पे है तो सिंपल 6 ही आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू. क्लिप चैम्प क्रिएट. फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग इन फिगर. फिगर्स में लिखना है इनको. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1,500,000. 1,000,000 यानी कि जब हम बात करते हैं 1,000,000 की, 1,000,000 यानी 10,00,000 और 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं तो 10,00,000 यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे. तो ये तो हो गया 1,000,000. 1,000,000 यानी ये हो गया. क्लिप चैम्प क्रिएट. आगे साथ में 500 और लगा रहा है तो यहाँ पे हम जीरो की जगह 5 कर देते हैं तो ये 500 यानी इसका आंसर आ गया 100. क्लिप चैम्प क्रिएट. ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. फिर बी पार्ट है हमारे पास इसका 200,000. क्लिप चैम्प क्रिएट. थाउजेंड में कितने जीरो आते हैं? तीन जीरो आते हैं. 200,000 और 2 और लगाना है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे. क्लिप चैम्प क्रिएट. तो इसका आंसर ही आ गया. सी पार्ट है 70,000,000. 70,000,000. क्लिप चैम्प क्रिएट. यानी 70,000,000 यानी मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं तो इसके आगे 6 जीरो और लगाएंगे 70 के बाद. क्लिप चैम्प क्रिएट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब वो 90,000 और कह रहा है तो 90,000 तो 90 ही आ गया. क्लिप चैम्प क्रिएट. में 3 जीरो हो गए. 600 यहाँ पर आ जाएगा. 14 अब यहाँ पे 1 और यहाँ. क्लिप चैम्प क्रिएट. तो इसका आंसर हो गया 7,00,090,614. फिर है डी पार्ट 100,000,005. क्लिप चैम्प क्रिएट. 100,000,000 यानी जैसा कि हमने यहाँ बताया था 1,000,000 में 10,00,000 होते हैं तो 10,00,000 यानी कि क्लिप चैम्प क्रिएट. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गए. अब 5 और लगा रहा है वो तो 0 की जगह 5 कर देंगे तो यानी हमारा आंसर 100,000,005 आ गया. तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए. क्लिप चैम्प क्रिएट. पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा और कोई कमेंट्स आप देने चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और कौन से टॉपिक्स में पढ़ाऊं. थैंक यू. अब फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट हम देखते हैं. इसके अंदर राइट द ग्रेटेस्ट नंबर. राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यानी हमको सबसे बड़ा नंबर लेना है. ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा.
तो इसमें से सबसे बड़ा हमारा नंबर है 9, तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद हम देखेंगे ClipChamp Create, 8 हो गया, फिर उसके बाद हम 7 लेंगे और फिर 4, तो हमारे पास इसके नंबर आया 9874। तो हमारी ट्रिक क्या रही, अगर ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है 9, उससे फिर छोटा लेना है 8, और उससे फिर छोटा 7, और उससे फिर छोटा 4, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमको पहले लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स में हमको हिंदू अरेबिक नंबर्स को कन्वर्ट करना है। ये सारे हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं क्रिएट, और इन्हें हमें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 15। ClipChamp Create 15 जो रोमन नंबर्स हैं उसमें हमको 10 को हम डिनोट करते हैं x से, यानी x डिनोट करेगा 10 को, और 5 को ClipChamp Create हम डिनोट करेंगे v से। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, x और v, x v हमारा 15 नंबर बन जाएगा, क्योंकि 10 को हम x से डिनोट कर रहे हैं और 5 को हम v से डिनोट कर रहे हैं, तो x v हमारा 15 नंबर बन जाएगा। b पार्ट है इसका ClipChamp Create 35। यहाँ पर हम 10 को डिनोट कर रहे हैं x से, तो हमारे पास यहाँ 3 x आ जाएंगे, क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस 10 मिला के हमको 30 बनेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 मिला के 30 बन जाएगा ClipChamp Create, तो वो इसलिए हमको 3x यहाँ पर लेने पड़ेंगे, 3x हमको लेने पड़ेंगे, और 5 को तो हम v से डिनोट कर ही रहे हैं, तो v हमारा ClipChamp Create, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो x x x v, ये हमारा नंबर बन गया 35। ClipChamp Create ठीक है। फिर आती है बात हमारी 6 7 8, सी जो पार्ट है वो है हमारा 6 7 ClipChamp Create। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हम 500 जो नंबर है, हम अब देखेंगे 500 को हम डिनोट कर रहे हैं ClipChamp यहाँ पर Create। 500 जो आता है वो D से डिनोट करते हैं हम, D से हम 500 को डिनोट करते हैं, और L को हम डिनोट करते हैं ClipChamp Create, L यानी 50, और C यानी 100, C यानी 100, इन तीनों को ध्यान रखिए, और M यानी 1000 होता है, इन चारों को आप देख लीजिए ClipChamp Create, और इन्हीं से हमको ये फॉर्म करना पड़ेगा। तो 600 को हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे हमारे पास 500 है और C है, यानी कि D C ClipChamp Create और C मिलाकर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा D C। अब 70 के लिए हम क्या करेंगे, यानी L यानी 50 ClipChamp Create, इसमें 20 और प्लस कर देंगे, यानी 10 10, तो यानी कि L 10 और 10 ये हमारा बन गया 70 ClipChamp और Create, D और C हमारा बन गया 600, बचा कितना 8, यानी V को हम डिनोट कर रहे हैं 5 से, उसमें 3 1 लगा देंगे Create, तो 8 बन जाएगा ये नंबर, तो हमारा ये 678 नंबर बन गया। तो हमारा नंबर हो गया डी सी एल एक्स एक्स ClipChamp Create 111 ठीक है। अब आता है हमारा डी पार्ट ClipChamp Create 756। जैसा कि हमने बताया था इसके अंदर आपको 756 के लिए ये चीज हम एक बार देख लेते हैं, डी जो है 500 है, सी 100 है, यानी 500 प्लस दो बार सी करेंगे तो हमारे पास 700 आ जाएगा, यानी डी सी सी डी सी सी, तो डी से 500 होता है और सी से 100 होता है, और ये सी से 100 होता है, तो 500 600 700 बन गया। अब 50 के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर L जो है वो 50 होता है, ये जो L है ये 50 है, तो हम यहाँ L लगाएंगे, ये 50 बनाएगा, और 6 के लिए V यानी 5 और 1 यानी 5 और 1 6, तो ये हमारा D C C L ClipChamp Create V 1 ये बन जाएगा नंबर। फिर आता है हमारा 900 ClipChamp Create 983 के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 1000 ClipChamp Create
एम जो है वो 1000 होता है, तो हम 1000 लेंगे एम के लिए और उसमें से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम पहले लेंगे, तो सी हम फर्स्ट ले लेंगे, तो यानी कि हमारा 1000 और इसमें से 100 माइनस किए हमने तो 900 बन जाएगा, तो ये 900 हो गया। 80 के लिए हम करेंगे एल यानी 50, उसमें 3 बार एक्स लेंगे 60 70 80, क्लिप चैम क्रिएट, और ये 1113 हो गया, तो ये 983 हो जाएगा, क्लिप चैम क्रिएट। ठीक है, फिर आता है हमारे ये थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग, ये साइन दे रखे हैं ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन। फर्स्ट है हमारे पास 56073 और 50673। सबसे पहले हम इनके डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, क्या ये बराबर हैं सारी डिजिट्स, सभी डिजिट्स बराबर हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। अब हम देखते हैं क्लिप चैम क्रिएट, फर्स्ट नंबर दोनों का इक्वल है, दोनों का 5 है, नेक्स्ट हम देखते हैं 6 है, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि 6 बड़ा है 0 से, तो यानी ये नंबर बड़ा हुआ, तो हमारा साइन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर देन, क्योंकि 6 बड़ा है क्लिप चैम क्रिएट 0 से, इसलिए एरो इस तरफ जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितनी डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब नेक्स्ट कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट को, दोनों में फर्स्ट है, सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे दोनों में 0 है, फिर थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं, इसमें 3 है इसमें 0 है, तो 3 बड़ा है, तो यानी कि साइन जो है इसकी तरफ जाएगा बी पार्ट में, क्लिप चैम क्रिएट साइन। इसमें भी हम काउंट कर लेंगे डिजिट्स, दोनों में 5 है, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे 3 है, सेकंड 4 है, थर्ड डिजिट इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हम हमारा साइन इधर की तरफ जाएगा, यानी सी पार्ट जो है उसमें साइन ये आएगा, डी पार्ट में 9999 है, और इसमें हमको बॉर्ड मास से सॉल्व करना पड़ेगा। बॉर्ड मास से सॉल्व करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले, या तो हम क्लिप चैम क्रिएट जो 10000 है उसके अंदर 8 प्लस कर लेते हैं, तो 10000 में 8 प्लस करके फिर 9 माइनस करें, या तो वो करेंगे, या फिर हम 10000 के अंदर 9 माइनस कर लेते हैं, तो 10000 में 9 माइनस करके जो आएगा उसमें 8 प्लस करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर 10000 में 8 प्लस कर लेते हैं, इसमें जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8000 और 1, अब बचा 9 माइनस करना है हमको, तो माइनस करेंगे तो इसमें से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आया 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 9, इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड में भी 9999 आया, क्लिप चैम क्रिएट राइट साइड में भी यही डिजिट आई, यानी फोर्थ वाले में इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एन सर्किल डिजिट, जो भी सर्किल कर रखा है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है कि वो किस प्लेस पे स्टैंड करती है, हमारे जो चार्ट होता है उसमें किस प्लेस पे स्टैंड करती है, इसमें ये यूनिट प्लेस होती है, फर्स्ट प्लेस जो हम राइट साइड से देखते हैं, सेकंड प्लेस टेंस की प्लेस होती है, क्लिप चैम क्रिएट थर्ड की होती है, 100 की, फोर्थ की, 1000 की, फिर 10000 की, इस तरह से चलती रहती है क्लिप चैम क्रिएट। तो 3 जो नंबर है वो प्लेस वैल्यू में कहाँ स्टैंड कर रहा है, जो भी प्लेस वैल्यू में जहां पे भी वो कर रखा है उसके बाद हमको 0 लगा देने हैं, तो हमारा इसका आंसर आएगा क्लिप चैम क्रिएट, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका ए का आंसर आएगा 300, यानी प्लेस वैल्यू में 300 इसकी पोजीशन आएगी, इसके बाद दो डिजिट्स हैं यहाँ पे 0 लगा देनी है, तो हमारा आंसर आएगा 300। बी पार्ट देखते हैं, क्लिप चैम क्रिएट इसमें एन सर्किल 0 पे है, तो 0 के आगे जितने भी 0 लगाएंगे हम, मान लीजिए 0 है, 0 के बाद एक नंबर और है, उस और 0 लगाया तो 2 0 इक्वल टू 0 ही होता है, तो इसका आंसर सिंपल 0 ही आएगा। सी का आंसर आएगा 5 के बाद हमको 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स के 0 लगा देने हैं, यानी 1 0 0 5000 आ जाएगा, और डी जो है उसमें
सिक्स जो है यूनिट प्लेस पे है तो सिंपल खुद चैंप क्रिएट इसकी प्लेस वैल्यू। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन फिगर, फिगर्स में लिखना है खुद चैंप क्रिएट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1,500,000, 1,000,000 यानी कि जब हम बात करते हैं 1,000,000 की, 1,000,000 यानी 10,00,000 खुद चैंप क्रिएट, और 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं तो 10,00,000 यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे। खुद चैंप क्रिएट हो गया 1,000,000, 1,000,000 यानी ये हो गया। अब वो कह रहा है आगे साथ में 500 और लगा रहा है, तो यहाँ पे हम जीरो की जगह 5 कर देते हैं तो ये 500 यानी इसका आंसर आ गया 100,500। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर बी पार्ट है हमारे पास इसका 200,000, 200 ये 200 हो गया, 1,000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं, 200,000 और 2 और लगाना है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे इसको लास्ट में, तो इसका आंसर ये आ गया। सी पार्ट है 70,000,000, खुद चैंप क्रिएट, 70,000,000 यानी 70,000,000 यानी मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं तो इसके आगे 6 जीरो लगाएंगे 70 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वो 90,000 और कह रहा है तो 90,000 आ गया और 1,000 में 3 जीरो हो गए, 600 यहाँ पर आ जाएगा, खुद चैंप क्रिएट। अब यहाँ पे 1 और यहाँ 4 तो इसका आंसर हो गया 7,000,901,4। फिर है खुद चैंप क्रिएट पार्ट 100,000,005, 100,000,000 यानी जैसा कि हमने यहाँ बताया था 1,000,000 में 10,00,000 होते हैं तो 10,00,000 यानी कि 6 जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गए। अब 5 और लगा रहा है, चैंप क्रिएट जगह 5 कर देंगे तो यानी हमारा आंसर 100,000,005 आ गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा और कोई कमेंट्स आप देने चाहते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए कि आगे और कौन से टॉपिक्स में पढ़ाऊं। खुद चैंप क्रिएट। खुद चैंप क्रिएट।